अब आए सही, मेरी कचौड़ियाँ बन गई हैं और उसके साथ मैंने छोले और ये मैंने सर थोड़े से प्याज के लच्छे और नींबू और उसके साथ आलू दम को सर्व किया। आप भी ऐसे बनाएं और उसका प्रोसेस देखें आगे। नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा रश्मि खजाना में एक खस्ता कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए और इसको मैं छोले के साथ सर्व करूँगी। और उसको कैसे बनाते हैं उसके लिए देखिए, मैंने दरदरी कूट ली है धनिया, खड़ी धनिया, ये थोड़ी सी कलौंजी है, सौंफ है, जीरा, ये चार चीज़ें उसकी छोंक में डालेंगे और हींग है और उसके साथ ही ये अदरक है, हरी मिर्च है और लास्ट में हरा धनिया डालेंगे और नमक स्वाद के अनुसार। तो इसमें मेन चीज़ यही है, सौंफ, जीरा, कलौंजी और दरदरा कूटा हुआ धनिया, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए महीन महीन मैंने हरी मिर्च काटी, अदरक कद्दूकस कर लिया, ये एक कटोरी दाल थी उड़द की मैंने पिट्ठी बनाने के लिए जो कि भर के खस्ता कचौड़ी बनाऊंगी, तो मैंने पीस लिया है। और ये हींग है तो इसको मैं पहले तड़का लगाऊंगी, तो इसके लिए मैंने इसमें देखिए तेल डाला है और इसमें ये थोड़ा सा भून लेंगे। ये जो मैंने तड़का चार चीज़ें डाली हैं और अब हींग, हींग अच्छे से डालें क्योंकि बिना हींग के, आइए अदरक, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लें। हल्का सा भूनने के बाद इसमें दाल डाल के उसको भी भून लेंगे, उससे उसका कच्चापन निकल जाता है और थोड़ा बहुत अगर जो मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा तो भरने में आसानी होती है। और बहुत ही बढ़िया आटा और मैदा मिक्स करके मैं एक डो बनाऊंगी, उसमें मोयन डाल के वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसको ऐसी तरह से भून के और इसी में दाल डालिए। हमारे मसाले एकदम भून गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे नहीं तो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अब ये दाल मैं इसमें डाल दे रही हूँ, दाल को खूब अच्छी तरह से सुखा दीजिए ऐसे करके इसी के साथ। और इसमें हम नमक स्वाद के अनुसार, और चाहे तो आपको तीखा पसंद हो तो हरी मिर्च तो मैंने डाली है, लेकिन आपको मन हो तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत हल्का डालिए क्योंकि कचौड़ी में तीखापन अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो नहीं डालूंगी, लेकिन अगर आपका मन हो आपको तीखा पसंद है तो डाल सकते हैं और खटाई भी डाल सकती हैं। बस मैं हरा धनिया डालूंगी सुखाने के बाद, बस और कुछ नहीं डालूंगी। देखिए अब मेरी पिट्ठी अच्छी तरह से तैयार हो गई है, देखिए एकदम सूख गई है। अब लास्ट में इसमें हरा धनिया डाल के और इसको गैस को बंद कर देंगे और कुछ नहीं डालना है। ये देखिए मैंने हरी धनिया डाल दी है कटी हुई, अच्छी तरह से उसको भी भून लेंगे इसके साथ और बस उसको रख देंगे। और फिर एक डो बनाएंगे उसके साथ कचौड़ी और छोले बनाएंगे, उसका भी विधि मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरी पिट्ठी बनके तैयार हो गई है, इसमें हरा धनिया भी डाल दिया है, हल्की सी खटाई डाल दी है, नमक स्वाद के अनुसार बन गई है। अब इसको गैस बंद करके और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए मेरे मसाला तैयार हो गया, अब लास्ट में गैस बंद करके और इसमें हल्का सा हरा पिसा धनिया गरम मसाला ऊपर से डाल देंगे और उसको सब मिक्स कर देंगे बस, और हमारी पिट्ठी तैयार है। अब इसके लिए मैं डो बनाऊंगी। ये देखिए मैंने आधा मैदा आधा आटा मिला लिया, उसमें मैंने घी 3 टेबलस्पून घी डाल दिया है और उसमें हल्का मैं नमक डालूंगी। कचौड़ी बनने जा रही है तो उसका डो बना रही हूँ और अजवाइन, और इससे अच्छा टाइट डो बनाइए और अच्छे से मसल के मोयन को और उसके बाद टाइट डो बना लीजिए और फिर भर के कचौड़ी बनाइए और उसको छोले और आलू की सब्जी के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी खस्ता बनता है। ये देखिए मेरा डो तैयार हो गया है, अब इसको अच्छी तरह से मैं लोई काट के और उसमें वो जो पिट्ठी मैंने बनाई थी आपको मैंने दिखाया, उस पिट्ठी के साथ उसको भर के कचौड़ी बनाऊंगी, गर्मा गर्म छोले और आलू की सब्जी के साथ सर्व करिए। बहुत बढ़िया लाजवाब उड़द की कचौड़ी बनती है, ऊपर से कुरकुरी अंदर से सॉफ्ट। देखिए मेरी कचौड़ियाँ बन रही हैं, मैंने भर के गर्मा गर्म कचौड़ी बन के तैयार हो रही है और इसको मैं अब प्लेट में सर्व करूंगी, छोले और आलू दम की कचौड़ियाँ बन गई हैं। आपको कैसी लगी और कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।